गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरसू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अत्रिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है हमारी ईरा से, और हर्ट होने के चक्कर में वो ड्रिंक करती है, और ड्रिंक करने के टाइम पर जो हमारी शनाया रहती है वो उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है। पर उन दोनों के बीच में समझाते समझाते शनाया पे डोमिनेटिंग नेचर दिखा देती है अत्रिका, और उन दोनों के बीच में इंटीमेशन हो जाता है। और इंटीमेशंस होते टाइम अत्रिका बहुत अलग ही, मतलब एकदम बोलते ना पावरफुल ओवर रूल्ड कर रही थी शनाया पे, और शनाया एक सबमिसिव पार्टनर की तरह सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वो सब चीज़ें अपने हाथों से देख रही थी। अब उसके आगे ये सब होने के बाद जो हमारी अत्रिका रहती है वो तो शनाया के ऊपर पूरा अपने आप को रख कर सो जाती है। मॉर्निंग का टाइम रहता है तो शनाया को थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, थोड़ा सा उससे होता नहीं है, तो उठने की कोशिश कर रही रहती है, और वो अत्रिका को साइड में करती है और उठना ही चाह रही रहती है, पर अत्रिका हो ही नहीं रहती। फिर जब अत्रिका की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अत्रिका के सबसे ज़्यादा करीब कोई है तो वो शनाया है। अत्रिका इसे देख कर एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो एकदम से साइड होती है और साइड में होकर बोलने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी अत्रिका की ये बात सुनकर शनाया कहती है, वो मैं कल आपके पास आई तो थी, आपको कुछ याद नहीं है? तो अत्रिका कहती है, क्या, एक तो मेरा ये सर फट रहा है, ऊपर से एक मिनट मैंने कपड़े नहीं पहने और तुमने भी नहीं पहने, क्या हुआ था कल रात हमारे बीच में? अत्रिका जोर से एकदम से बोलती है। तभी शनाया कहती है, आपको कुछ भी याद नहीं है? अत्रिका कहती है, ऑफ कोर्स डैमिट, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या हुआ हमारे बीच में कल रात को? तभी शनाया कहती है, मैम डोंट शाउट एट मी, ओके, ऐसे मत बताओ कि जैसे कि सब कुछ मेरी गलती है, आप ही मेरे ऊपर चढ़ गई थी, यू जस्ट कम ओवर मी, मैं तो आपको ड्रिंक करने से रोकने आई थी और ये हो गया। तो अत्रिका कहती है, तो तुमने मेरी ड्रिंकिंग का फ़ायदा उठाया, मतलब तुम्हें पता था कि मैं ड्रंक हो चुकी हूँ, मैं होश में नहीं हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ सकती हूँ, तुम्हें रोकना नहीं बनता है क्या मुझसे? तुम कैसे कर सकती हो ये सब शनाया? मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था, तुम्हें अपने आप को सौंपा था, मैं तुम पे विश्वास करती थी, तुम मेरे ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करोगी, और तुमने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और यू जस्ट कम ओवर मी एंड ये हो गया, मतलब तुम्हें पता था कि मैं ड्रंक हूँ तब भी तुम मेरे साथ ये सब कर रही थी, तुम रोक सकती थी मुझे। तभी शनाया कहती है, लिसन मैम, मैंने बहुत कोशिश करी है आपको रोकने की, मैंने क्या नहीं किया, आपको दूर किया, आपको हमेशा किया, लेकिन आपने मुझे छोड़ा ही नहीं। आपने मुझसे ये कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या, तुम मुझे अलाउ नहीं करोगी क्या ये सब चीज़ें करने के लिए? एंड क्यों जस्ट, तो तबीयत कहते बस बहुत हुआ शनाया, कीप क्वाइट राइट नाउ, मैं ये कहूँगी तुम्हें कि अपने प्यार को साबित करने के लिए तुम ये सारी गिरी हरकतें करो, क्या समझ के रखा है तुमने कि मैं हवस की पुजारन हूँ और ड्रंक होने पर मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी? तभी शनाया कहती है, लिसन मैम, मैंने ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती करी, ओके, जो हुआ उसमें मैं भी एग्री थी, बट जबरदस्ती नहीं थी ये, लेकिन आपको रोकने आई थी मैं, लेकिन आप मेरे ऊपर चढ़ गए। तो कहती है, जब भी जबरदस्ती नहीं थी तो तुम मुझे रोक सकती थी, तुम रूम से जा सकती थी, और तुम मुझे मना करती ये सब चीज़ें करने के लिए, बट नहीं, तुम्हें भी ये सब चीज़ें चाहिए थी ना। मुझे समझ में नहीं आता शनाया, तुम क्या चाहती हो? तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं मिल पाऊंगी, मैं ईरा से प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो पाऊंगी, तो तुम ये हरकतें कर रही हो मुझे पाने के लिए? शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। तभी शनाया की आंखों में से एकदम से आंसू निकलते हैं और वो एकदम से बोलती है, लिसन मैम, आई लव यू एंड दिस इज ट्रू। हिम्मत है मुझे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने की और मैं कर भी रही हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैम कि मेरे प्यार पे आप इतने एलिगेशंस लगाएं। मैंने
आपको पाने के लिए ये हरकतें नहीं करी है। आप खुद ड्रंक थी, आप खुद मेरे ऊपर चढ़ी और मेरे ऊपर चढ़ती जा रही थी, मैं रोक रही थी। एंड यस ऑफकोर्स मैं लड़की हूँ, ऑफकोर्स जब कोई मुझसे प्यार करता है, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मेरे ऊपर चढ़ेगा तो मेरा उतना कंट्रोल नहीं होता। बट ऐसा नहीं है कि मैंने रोकने की कोशिश नहीं करी थी। ऑल दो आपके आपका इस तरीके से करीब आना मुझे भी तो कमज़ोर कर दिया ना, और मैंने अलाउ कर दिया आपको। तभी अर्पिका कहती है तो मतलब तुम्हारा ये मतलब था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ गई और तुम अपने प्यार में मुझे अलाउ किया। क्या बुलशिट वाली बातें कर रही हो, मैं ईरा से प्यार करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती नहीं हूँ, तो तुम ये क्या गलतफहमी में लगा के रखी हो कि मैंने ये किया। मैं जहाँ तक जानती हूँ तुमने बस मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, तुम्हें पता था मैं तुम्हें ऐसे तो मिल नहीं पाऊँगी, कभी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी नहीं, कभी मैं तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ों में नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कभी भी ईरा को धोखा नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं उसे बेहद प्यार करती हूँ। इस बात का फ़ायदा तुमने उठाकर ये हरकत करी ना मेरे साथ। तभी शनाया कहती है कितनी बार कहूँ मैम, मैंने ये हरकत नहीं करी है, बट मेरे बोलने से या मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। जितने एलिगेशंस आपको लगाने थे आपने लगा दिए हैं, और अगर आपको लगता है तो मेरी ये नेक पे निशान देने वाली आप ही हो। जैसी वो शनाया अपने नेक पे दिखाती है तो उसमें इतना डीप मार्क्स के मतलब लव बाइट्स होते हैं, जैसे कि कोई बहुत इनिशियली बाइट्स किया है ऐसे। तो तभी अर्पिका कहती है ये सब मार्क्स, तो कहती हैं आप ही ने दिए हैं मुझे। वेल ये भी चीज़ आप एक्सेप्ट तो करोगे नहीं, और आप तो मुझ पर इतने सारे एलिगेशंस लगाए चुके हो कि मैंने आपका सिचुएशन में फ़ायदा उठाया ये वो। मैम मुझे फ़ाइट करना नहीं आता, कि टिपिकल गर्ल्स की तरह आई एम नॉट अ गुड इन टू फाइट, बट एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं और शर्मिंदा अपने प्यार को नहीं कर सकती हूँ। आई लव यू एंड दिस इज़ ट्रू, बट यू डोंट एक्सेप्ट दैट, इट्स योर प्रॉब्लम। वेल एक बात जाने से पहले पहले मैं ये कहूँगी, कोई भी इंसान किसी के इतने करीब नहीं आता अनटिल अनलेस कि वो भी प्यार नहीं करता, और आप भी मुझे प्यार करते हो और एक्सेप्ट करते हो और मेरे साथ बेटर फील करते हो, सिक्योर्ड फील करते हो, दैट्स वाई यू कम टू क्लोज टू मी। और कल रात को जो आपने किया किसी और के साथ नहीं करते आप, आपने सिर्फ मेरे साथ किया, क्योंकि आप मुझे पसंद करते हो, प्यार करते हो। और जब भी हमारे बीच में किसेस हुई है या कुछ भी हुआ है उसमें किस बैक आपने भी किया है मुझे, बिकॉज आपके अंदर भी फीलिंग्स है। लेकिन आप ये चीज़ मानोगे ही नहीं ना मैम, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि बस शनाया ही शनाया शनाया। और ये लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी बस, चूँकि लास्ट में आप ये बोलते रहते हो ना कि आई एम नॉट रिलेशनशिप, आई एम योर रिलेशनशिप गर्ल होम यू लव द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस लाइफ और इन दिस यूनिवर्स वॉट एवर। वो लड़की एक्चुअल में किसी और के साथ इंटीमेट होती है और उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है। सो आई डोंट थिंक कि दिस इज अ लॉयल्टी ऑफ लव। ओके पहले ही बताया था सिचुएशनशिप में हो, उसे रिलेशनशिप का नाम आपने दिया, और आपकी गर्लफ्रेंड लॉयर होती तो उसके पेट में बच्चा नहीं होता उनका। फाइन बहुत बड़ी बात कहती है। तभी अर्पिका एकदम से गुस्से में आती है और बोलती है व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग, वो उसका हस्बैंड है, वो किसी और के साथ रैंडमली गर्ल के साथ नहीं सोई है और ना रैंडमली बॉय के साथ सोई है। हाँ तुम उसकी लॉयल्टी पे उंगली नहीं उठा सकते, उसकी सिचुएशन अलग है और वो अलग चीज़ है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, और ये गलत हुआ जो हुआ। तभी शनाया कहती है ओके ये गलत हुआ तो ठीक है, मैं जा रही हूँ वहाँ से, मेरे एक्सप्लेन करने से भी कुछ नहीं होगा। एंड बाय द वे वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, रॉयल्टी जेंडर देख के नहीं आती है, ठीक है, रॉयल्टी लॉयल्टी लॉयल्टी होती है, चाहे वो दो कल्स के बीच में हो या दो कपल्स स्ट्रेट कपल्स के बीच में हो, लॉयल्टी लॉयल्टी होती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट रैंडम गर्ल के साथ तो आपने भी नहीं किया है, यू ऑलरेडी लव मी द
दैट्स वाई यू कम क्लोज टू मी, बट यू नेवर एक्सेप्ट दैट बिकॉज यू आर इन द सिचुएशनशिप विथ हर, और मुझे आप कुछ भी क्लियर नहीं करना है। कल रात को देखा जाए तो आप मेरे ऊपर आए थे, आपने मुझे फोर्सफुली किया, और ये लव बाइट्स आपने मुझे दिए हैं। अगर आपकी खुद की बॉडी में अगर एक मार्क्स भी मिल जाए तो मुझे बता देना कि मैंने आपके साथ जबरदस्ती करी है, और ये मार्क्स से ये चीज इंडिकेट होता है कि यू जस्ट कम ओवर मी। ओके वेल, फिर भी मैं इसको कुछ और नाम नहीं दूंगी बिकॉज आई लव यू एंड यू इंसल्टेड माय लव, यू जस्ट गिव अ नेम ऑफ माय लव एज अ लस्ट नेम, तो सॉरी मैम आई कांट स्टैंड हियर। और ये बोल के अत्रिका शनाया जो होती है वो अपने कपड़ों को लेने जाती है, बट वो देखती है कि उसके कपड़े तो कल बाथरूम में ही पूरे गीले थे, तो अत्रिका ये सब देख रही रहती है और बोलते कि तुम्हें अभी तक कपड़े नहीं मिले अपने, तो वो कहती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है, वहाँ से एक ब्लैंकेट उठाती है, अपने आप को पूरा कवर करती है, वहाँ से निकलती है, अपने रूम पर चली जाती है। अत्रिका बोलती है पागल लड़की अपने कपड़े क्यों नहीं लेकर गई। फिर अत्रिका थोड़ा सा मतलब उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा रहता है, वो पेन से उठती है, उठ के जाकर देखती है कि ये बाथरूम में क्या देखने है, देखती है तो बाथरूम में दोनों के कपड़े वहाँ पर पड़े हुए थे। सो बाथरूम में कपड़े पड़े, दोनों बेड पे थे, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा उसने बेड की तरफ देखती तो बेड थोड़ा सा वेट था, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करती है शायद बाथरूम से बेड पे आए, मतलब वॉट एवर तो चल रहा था उसके दिमाग में, सिर्फ यही चीज़ चल रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, बट वो इतने अच्छे से कंक्लूजन्स में नहीं पहुंच पाती है और उसको हार्डेक होने लगता है। वो वहाँ से नीचे जाती है और नीचे जाके थोड़ा सा पानी लेती है और वहाँ पे डिस्पिन की गोली रहती है वो खाती है। फिर वो अपने मॉम की तरफ देख रही रहती है, वहाँ पे उसको मॉम नहीं दिखती है, तभी अत्रिका चिल्लाती है मॉम मॉम, तो तभी जो वो होती है अंदर रूम की तरफ देखती है तो अंदर जाती है तो वहाँ मॉम सो रही रहती है, तो अपने मॉम के पास आकर बोलती है आर यू ओके मॉम, आप ठीक तो है ना, क्या हुआ है आपको। तो तभी अत्रिका की मॉम थोड़ा सा होश में आके बोलती है अत्रिका पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अब थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, थोड़ा फीवर जैसा लग रहा है, तुम्हारे पापा हैं जरा तुम उसको देख लोगे ना। तो अत्रिका एकदम से पूछते आप पापा के कॉन्टैक्ट में गई थी, तो वो कहते हैं कि हाँ वो कल रात को आए थे ना, वो उनको ना बहुत ज़्यादा, तो कहती है मॉम बट आपको नहीं जाना चाहिए था, वो कोविड से के चक्कर में इतने दिनों से आए हैं, तो क्या है? कहते तुम्हारे पापा घर से बाहर ही नहीं निकले, वो अंदर ही हैं, और मैंने कुछ भी खाने के लिए नहीं बनाया, तो तुम देख लोगी मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो अत्रिका जो होती है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही बात कर रही रहती है बिकॉज वो जानती है कि कोविड एक कोई मजाक नहीं थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन करते हुए बात कर रही रहती है। तभी वहाँ से पीछे शनाया आके बोलते जी आंटी मैं बना देती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा सा ले लो और आपको लगे तो मैं आपको फीवर की टैबलेट दूँ। तभी वहाँ से वो अत्रिका की मॉम कहती है हाँ बेटा मेरे को फीवर की टैबलेट दे दो, तो शनाया कहती है ऑफ कोर्स आंटी मैं भी दे देती हूँ, एक मिनट में लेकर आती हूँ, और वो लेकर आती है और आंटी को वहाँ पर दे देती है। अत्रिका बस उसकी तरफ देख रही रहती है और शनाया एक नज़र भी अत्रिका मैम की तरफ नहीं दिखती है, और फिर वो जाती है किचन में और ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर देती है, ब्रेकफास्ट या फिर ये बोलो थोड़ा सा हैवी डिनर बनाना स्टार्ट कर देती है, हैवी लंच बनाना स्टार्ट कर देती है। और तभी यहाँ से अत्रिका आती है और बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, तुम अकेले इतना सारा कैसे बनाओगी। तो तभी शनाया एकदम से कहती है नो मैम नो नीड, क्या है ना मैम मैं अकेले कर लूँगी, पता चला आपको थोड़ा सा भी मेरा हाथ वाथ टच हो गया तो आपके मुँह से ये ना निकले कि मैं सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर आपके साथ क्लोज होने की कोशिश कर रही हूँ या आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी अत्रिका कहती है देखो मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। तभी शनाया कहती है मैम स्टॉप इट नाउ, जो कहना था वो कह दिया है और जहाँ लगना था वहाँ लग गई है। और वो ये लगना हुआ जब बोलती है तो वो अपने हार्ट पे पॉइंट करते हुए बोलती है कि लग गई। फिर अत्रिका जो होती है वो थोड़ा दूर दूर से थोड़ी थोड़ी मदद कर रही रहती है शनाया की, पर इस ड्यूरेशन में दोनों के बीच में कुछ भी बात नहीं होती है। और जो अत्रिका रहती है
वो बहुत कोशिश करती कि शनाया से वो थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से बात करे, लेकिन शनाया इस बार अपने चीज़ पे रहती है। और वो क्या करती है, शनाया जल्दी से दाल खिचड़ी बनाती है और दाल खिचड़ी बनाकर आंटी को जाकर देकर आती है और आंटी को बोलती खा लो। पर आंटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो वो थोड़ा सो रही थी, तो वहाँ पर वो खाना रख देती है। यहाँ पर जो अंकल को भी वो जाकर देती है, तो अंकल भी क्वारंटाइन रहते हैं, वो भी दूर रहते हैं, और चुपचाप वो लेते हैं और वो भी खाने लग जाते हैं। फिर वो एक प्लेट में अद्रिका मैम के सामने रख कर चली जाती है। तभी अद्रिका मैम बोलती हैं, तुम नहीं खाना खाओगी? तो शनाया कहती है, मैं खा लूँगी, अच्छा मुझे ठीक लगेगा। वेल, आपको शायद भूल गए हो आपके आपको आज हॉस्पिटल नहीं जाना है क्या? तो कहती है, मैं सोच रही थी ना जाऊँ, क्योंकि मॉम की भी तबीयत ठीक नहीं है, घर में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो शनाया ओके बोल देती है। शनाया यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती है और अपना कबर्ड होता है, वहाँ पर वो जो जितना भी सामान हॉस्टल से लेकर आई थी वो सब पूरा सामान पैक करने लग जाती है। जाती है अद्रिका मैम के रूम पे, जहाँ पे उसके कपड़े गीले हुए रहते हैं, वो दोनों कपड़ों को वॉश कर देती है। वो चाहे कितना भी गुस्सा हो शनाया, या कितना भी उसे फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो, बट उसका ऐसा था कि उसका दिल इतना सॉफ्ट था अद्रिका के लिए कि वो चाहकर भी उससे गुस्सा नहीं हो पाती थी। मतलब हालांकि अद्रिका ने उसके लव को बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट किया था, और जिस तरीके से उसने इंसल्ट किया रहता है, उस जगह कोई भी होता तो वो गुस्से में होता, पर वो जाते टाइम अद्रिका के कपड़े भी वॉश करती है जिसमें उसने वॉमिट कर दिया था, और वो धोने सुखाने चली जाती है। वहाँ पर जो शनाया ने अपने कपड़े वॉश किए रहते हैं उसे वो ड्रायर से ड्राई करती है थोड़ा, लेकिन वो फिर भी वेट रहते हैं, तो उसे एक पॉलिथीन में भरती है और अपने कवर कर लेती है। और फिर वहाँ से वो अपने डैड की तरफ कॉल करती है और बोलती है कि डैड, बहुत दिन हो गया ना, मैं यहाँ पे लॉकडाउन में फंसी पड़ी हूँ, कैन यू जस्ट ब्रिंग अ समथिंग, मुझे बस यहाँ से लेके जाओ। तो कहते, बेटा हम कोशिश कर रहे हैं, बट क्या करें, यहाँ बस वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे लेकर आऊँ? तो कहती है, मॉम डैड को बोलो कि वो ई पास का अरेंजमेंट करें, उनकी वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनकी अच्छी खासी चलती है, वो गवर्नमेंट डॉक्टर है, ही कैन डू एनीथिंग। तो कहती है, बेटा हम वही कर रहे हैं, ई पास के लिए तुम्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने अरेंज करवा दिया है, तुम्हारा 2-3 दिन में ई पास आ जाएगा वेरीफाई होकर, और फिर तुम चले जाना। तो कहती, 2-3 दिन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया है, मैं तो आज ही निकलने की सोच रही थी। तो तभी उसकी मम्मी कहती है, आज कैसे होगा बेटा, तुम कभी भी कैसी बात करती हो, इंस्टेंट थोड़ी ना हो सकता है, तुम 2-3 दिन रुको। तो कहती है, ओके मैं हॉस्टल में रुकती हूँ। फिर शनाया कहते हैं, मॉम मैं हॉस्टल में रुकती हूँ 2-3 दिन, आप वहाँ से मुझे पिकअप कर लेना। तो उसकी मॉम कहती है, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई है? तो कहती है, किसी के भी घर पे ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए ना मॉम, आप ही ने तो सिखाया है। तो कहती है, बट कुछ हुआ है क्या? तो शनाया कहती है, नो मैम कुछ, नो मम्मी कुछ नहीं हुआ है, मैं जाती हूँ। तो फिर यहाँ से जो शनाया होती है वो फटाफट अपनी चीज़ों को पैक करती है, और वहाँ से वो छोटा सा ट्रॉली वाला बैग होता है उसे लेकर नीचे की तरफ उतरने लगती है। अद्रिका किचन में ही बैठी रहती है और वो अपने मोबाइल पे कुछ सर्च वगैरह कर रही रहती है। उतनी देर में अद्रिका एकदम से पूछती, कहाँ जा रही हो तुम? तो शनाया उसी तरफ देख के बोलती है, मैं हॉस्टल जा रही हूँ। तो अद्रिका कहती, क्यों, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है, आई थिंक मैम लेट जस्ट फेस इट, ओके जो हमारे बीच में पर्सनली हुआ उससे मैं अपना प्रोफेशनली चीज़ें आपके साथ ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, बी प्रोफेशनल, आप मेरी मेंटोर हो, आपने मुझे एज अ फ्रेंड मांगना था और मुझ पे ट्रस्ट किया था, तो आप मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, बट अब ना हम फ्रेंड हैं और ना आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, तो आप अगर हमारा ये वाला रिलेशन है प्रोफेशनली, तो मैं हॉस्टल में जाके स्टे करना चाहती हूँ, एंड देन मैं अपने मॉम एंड डैड के घर चली जाऊंगी, आफ्टर अ फ्यू डेज देन हम प्रोफेशनली वे में मिलेंगे। तो अद्रिका कहती है, देखो शनाया तुम कुछ ज़्यादा ही पर्सनली हो गई हो, देखो जो हुआ रात को वो मुझे कुछ भी याद नहीं है,
बट मेरा सिर्फ यही मतलब था कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती थी अगर मैं वो कर रही थी और मैंने जो किया वो सही था कि नहीं। तभी अत्रिका की ये बात सुनते से शनाया सामने फिंगर पॉइंट आउट करके और स्टॉप करने का बोलती है और कहती है थैंक यू मैम, और यहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी अत्रिका बोलती है तुम कैसे जाओगी, तो कहती है मैं कुछ ना कुछ अरेंज कर लूंगी। पर वो कहती है लॉकडाउन चल रहा है तो मैं कुछ भी नहीं मिलेगा, तो कहती है कुछ तो मिल जाएगा। और फिर ऐसे कह के वो वहाँ से जाती है, बाहर वो चली जाती है रोड की तरफ, तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा रहता है क्योंकि उन दिनों लॉकडाउन था तो टैक्सी वगैरह तो मिलना बहुत मुश्किल था। और वो वहाँ से बाहर जा रही रहती है, बाहर जा रही रहती है, तभी वहाँ से एक पुलिस वाला उसे रोकता है, बोलता है मैडम कहाँ जा रहे हो, लॉकडाउन चल रहा है। तो कहती है मैं ऑटो का वेट कर रही हूँ और ऑटो तो मुझे कहीं मिल भी नहीं रहा है और मुझे मेरे हॉस्टल जाना है क्योंकि मैं हॉस्टल में स्टे करती हूँ। तो कहते तो अभी आप कहाँ से आ रहे हो, तो कहती मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से आ रही हूँ और मुझे अब हॉस्टल में जाना है, तो वहाँ जा रही है। एंड लिसन आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और ये मेरे इंटर्न कार्ड है तो मुझे वहाँ जाना है। तो कहते देखिए मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ लेकिन आप इतने दूर हॉस्टल कैसे जा पाओगे, तो कहते कुछ ना कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा ना सर, अब जाना है तो कुछ ना कुछ अरेंज करना ही पड़ेगा, थोड़ा ही दूर है कुछ किलोमीटर्स है, मैं वॉक करके भी तो जा सकती हूँ। तो कहते हैं मैडम वॉक करना बहुत मुश्किल है, ठंड धूप देखो आप कितनी ज़्यादा है, आप कैसे जाओगे। तभी वहाँ से एक पीछे से कार आती है और वो एकदम से बोलती है बैठो, तो वहाँ पर वो बोलती है कि अधिका मैम, क्योंकि वो रोज का ही उनका जाना आना हो चुका था, तो वो बोलते हैं, तो कहती है नहीं मुझे नहीं बैठना है, तो कहती है तुम्हें हॉस्टल जाना है मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगी बट कार में बैठो। तभी वहाँ से अद्रिका की थोड़ा सा सख्त लहजे में वो बोलती है, तभी शनाया उसे डिनाई करने वाली रहती है, लेकिन तभी वहाँ के पुलिस ऑफिसर बोलते हैं कि हाँ मैडम जाओ बैठो आप कार में। तो कार का गेट तक ओपन कर देते हैं, वो बैक साइड पे चुपचाप अपना वो बैग लेके बैठती है। अद्रिका वहाँ से गाड़ी चलाने लग जाती है, शनाया की तरफ वो देख रही रहती है लेकिन शनाया एक बार भी नहीं देखती है। और कहीं ना कहीं शनाया की आंखें बहुत नम थी और उसको रोना आ रहा था पर वो कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से गाड़ी से उतरती है और अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है और एक बार भी अत्रिका की तरफ मुड़ के नहीं देखती है। अत्रिका को ये बात चुभ रही थी, उसे कुछ हर्ट हो रहा था, उसे ये वाली फीलिंग्स आ रही थी कि कुछ तो उसके हाथ से चला गया है। उसके ये हरकत की वजह से शायद उसने वो चीज़ खो दी है जो उसकी खुद की अपनी थी। फिर वो टर्न होती है अद्रिका और कार में बैठते घर की तरफ चली जाती है। घर की तरफ जाती है तो वहाँ वो बैठती है, तब उसे ईरा का कॉल आता है, वो ईरा का कॉल पिकअप करती है और बोलती है हाँ बोलो, तो कहती है अद्रिका तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, आई मीन कल से तुम मेरे कॉल पिकअप नहीं कर रही हो, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ आया था, आई मीन क्या हो गया है यार। देखो मैं तुम्हें समझाती हूँ, जैसा तुम समझ रही हो वैसा वैसा नहीं है। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि इस बच्चे को रखूँ कि नहीं, मैं तो अबॉर्ट कराना चाहती हूँ ये बच्चे को, मेरे को नहीं चाहिए। तभी अद्रिका सिर्फ एक तरफा सुन रही रहती है और बोलती है आई कॉल यू लेटर, मैं थोड़ा बिजी हूँ, और अद्रिका ये बोल के फोन रख देती है। हालांकि वो अपने वॉशरूम में जाती है और वहाँ पे वो कपड़े देखती है, तो कपड़े वो सुबह देख कर गई थी तो गीले थे, अब देखती है तो वहाँ देखती है कि उसके बालकनी में वो कपड़े वो धो के सूख रहे रहते हैं। अब उसे बहुत अजीब लगने लगता है अद्रिका को। अब वो जहाँ जहाँ जाती है और वो उस रूम में भी जाती है जहाँ पे शनाया थी, हालांकि कुछ 15 दिन से ये दोनों साथ में थे, इन दोनों के बीच में वैसा कुछ रिलेशन नहीं था 15 दिन के बाद, पर कल रात को जो हुआ उसका तो अद्रिका को कुछ याद भी नहीं रहता है, बट उसे वो मोमेंट्स याद आते हैं कि कैसे शनाया उसके आजू बाजू घूमती थी और शनाया उसके पास इतने प्यार से आके बात करती थी, शनाया के साथ जो उसका बात करने का तरीका था, कॉम्बो था, वो कितना अच्छा था, उसे वो सब याद आने लगता है। वो मिरर की तरफ देख रही रहती है तो उसे उसकी आंखों में से आंसू आ रहे रहते हैं, उसको सीने पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा रहता है और वो कुछ अलग ही मोड पे चल रही रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता है। हालांकि वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है।
ऐसी बहुत देर तक वो चुपचाप गुमसुम अपने रूम पर ही बैठी रहती है, ना मोबाइल चालू करती है ना कुछ। और दूसरी तरफ जो शनाया रहती है वो भी अपने हॉस्टल में जाती है, वार्डन को बताती है ऐसा ऐसा है, थोड़े दिन के लिए की बात है, 2 या 3 दिन, उसके बाद वो चली जाएगी। वार्डन भी बोलता है कि ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के बहुत वांदे चल रहे हैं, क्योंकि यार कोई यहाँ पे हॉस्टल में कुछ खाना बनाने के लिए कोई बाई वाई भी नहीं आ रही है, सब लॉकडाउन में घर पे बैठी है। तो वो कहती है कि मैगीज वगैरह मैं कुछ है मैं खुद बना लूँगी। तो कहते हैं ठीक है बना लेना, किचन तो यहीं पर है, ऐसे कह के। तो यहाँ पर वो भी टेंशन में रहती है। और फिर जब वो अपने रूम पर जाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्रिका की चीज़ें उसे याद आ रही रहती है, और उसे सब कुछ क्यूट क्यूट से मोमेंट्स के साथ साथ उसकी वो हार्श वर्ड्स याद आ रहे रहते हैं, जो उसने कहा था कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुम्हें पता था कि हम कभी एक नहीं हो सकते हैं, तभी तुमने ये चीज़ का सिचुएशन का फ़ायदा उठाया। और ये सारी जो लफ्स है उसके कानों में गूंज रहे थे। शनाया की आंखें भी नम थी और उसे भी रोना बहुत आ रहा था। यहाँ पर ईरा भी अपने अलग ही जोन में चल रही थी कि वो क्या करे क्या नहीं करे। फिर से वो अद्रिका को कॉल करती है, अद्रिका फिर से फ़ोन पिकअप नहीं करती है। अब ईरा यहाँ से टूट से गई थी, तो ईरा बार बार फ़ोन पर लिख के भेजती है, अद्रिका एक बार तो बात कर लो प्लीज़, एक बार बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो, ये वो। अद्रिका जो होती है जब शाम का टाइम हो जाता है, पूरा दिन जीत जाता है, जब वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है वो फोन उठाती है और बोलती है, बोलो ईरा क्या बोलना है। तो ईरा कहती है, अद्रिका प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसा तुम सोच रहे हो मेरा आरफ के साथ वैसा रिलेशन नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि ये बच्चा कैसे हो गया है, क्या हो गया है, मैं तो सिर्फ उसके साथ एक ही बार इंटीमेट हुई थी, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है, मैं कैसे हो गया मुझे कुछ भी नहीं है। अत्रिका एक बार हीरा की बातों को सुनती है, लंबी सांस लेती है और छोड़ते हुए बोलती है, देखो हीरा अब जो हो गया सो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती ना तुम कुछ कर सकती हो, तो अब जो सच है उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ रहो। तो तभी ईरा कहती है, बट मुझे ये बेबी नहीं चाहिए, मैं रेडी नहीं हूँ, मैं अबॉर्ट कराना चाहती हूँ। तभी अद्रिका कहती है, तुम्हें जो करना है करो, तुम ईरा जो करना है करो, राइट नाउ मैं शायद इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे कोई भी चीज़ का जवाब दे सकूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशंस, अभी मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसे कह के वो फोन रख देती है। हालांकि उस समय ईरा बहुत कुछ बात करना चाहती थी अद्रिका से, और अद्रिका भी उसे मतलब ऐसे बोलते ना, जब अद्रिका थोड़ा सा शांत हो तभी तो उसे समझा पाए, लेकिन वो उसे कुछ समझा नहीं पाती, वो खुद शांत रहती है। जबकि अद्रिका यहाँ पर एकदम शनाया को कॉल करने के लिए शनाया का नंबर देख रही रहती है, शनाया से बात कर रही, उसे शनाया को हर्ट करने पे बहुत दर्द हो रहा रहता है। और यहाँ पे जो वो उसे पूछना चाहती थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं, शनाया की फिक्र अत्रिका को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, बट वो कर भी नहीं सकती थी कि कॉल, क्योंकि उसी ने उसे हर्ट किया जिसकी वजह से वो एक घर छोड़कर गई है। और तभी अत्रिका की जो मॉम होती है उसे बुलाती है, अत्रिका अभी अत्रिका भागते हुए जाती है और बोलती है कि हाँ मम्मा क्या हुआ, तो कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि अद्रिका की मॉम को बहुत ज़्यादा तेज बुखार आ चुका है, और बुखार की वजह से वो ठीक से नहीं है, वो उन्हें उन्हें अजीब सा फील हो रहा रहता है, उन्हें खांसी आने लग जाती है, सर्दी हो जाती है। यहाँ पे अद्रिका को उनके सिम्टम्स देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो सही नहीं है। तभी अद्रिका कहती है, तुम शनाया को बुलाओ ना, शनाया से मेरे को बात करनी है, तो अद्रिका तुमसे कुछ नहीं बनता, शनाया को बुलाओ, वो मुझे अच्छे से हैंडल कर लेगी। तभी यहाँ से अतिका बोलती है, मम्मा वो तो चली गई अपने, वो हॉस्टल चली गई। तो तभी से मम्मी कहती, क्या हॉस्टल कैसे चली गई, वो इतनी प्यारी बच्ची है, कैसे हॉस्टल चली गई, तुमने कुछ किया क्या उसके साथ। तो वो कहती है, थोड़ी सी हमारे बीच में बहस हो गई थी। तो कहती है, अतिका तुम फालतू का लड़ती हो अच्छी लड़की से, तुम्हारी चॉइस बहुत गंदी है हर चीज़ में, मैं तुम्हारी मम्मी होके मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, तुम कभी भी कोई लड़की ढंग की क्यों नहीं चुनती हो,
पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड गलत सुनी, अब पता नहीं कौन सी नई लड़की के चक्कर में हो, मुझे जानना भी नहीं है। बट अगर तुम्हारे पास अच्छी लड़कियां तुम्हारे पास आजू बाजू रहती है, तुम उन्हें छोड़ के बस गड्ढे में गिरना ही है ना तुम्हें। जाओ शनाया को सॉरी बोलो और उसको यहाँ लेकर आओ। तो कहती है पर मम्मा वो नहीं आना चाहती है, तो मैं कैसे लाऊं? तो कहती है तुमने जैसे उसे हर्ट किया है वैसे तुम उसे लेकर आओ। कल रात को मैंने ही उसे बोला था तुम्हारे रूम पे जाने के लिए, तुम हर्ट थी तो, और तुमने उसे ही हर्ट कर दिया कि उसे जाना पड़ गया आज सुबह। क्या किया तुमने उसके साथ रात को? तो अर्चिका कहती है मैं मम्मा मैंने मैंने कुछ नहीं किया। तो अर्चिका की मम्मी कहती है मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसे बोल के उसकी मम्मी को सांस लेने में वो बहुत बहुत देर से खांस रही थी। अर्चिका बोलती है मम्मा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें अभी अभी डॉक्टर के पास चलना चाहिए। मम्मा हमें अभी 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 चलना चाहिए। तो कहती कुछ नहीं ठीक है, तुम वो दवाइयाँ दो मुझे, मैं ठीक हो जाऊँगी। और ऐसे कह के वो दवाइयाँ ले लेती है और कहती है शनाया को सॉरी बोल रहा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।